ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। आइए देखते हैं खबर ललितपुर से। जिन पर है सुरक्षा की जिम्मेदारी वही करवा रहे हैं अवैध खनन और पेड़ों का कटान। तालबेहड़ क्षेत्र में माफियाओं द्वारा वन संपदा का किया जा रहा जमकर अवैध दोहन। मिट्टी बालू के अवैध खनन के साथ पेड़ों का भी जमकर हो रहा कटान। खनन माफिया और वन बीट इंचार्ज की साठगांठ का ऑडियो हुआ वायरल। वैसे तो जनपद में चारों ओर खनन माफिया सक्रिय हैं। वन विभाग, ग्राम पंचायत से लेकर किसानों की खाली पड़ी जमीनों से भी मिट्टी और नदियों से बालू के साथ साथ वन क्षेत्रों से पेड़ों के अवैध कटान में लगे हैं। पर कड़वा सच ये भी है कि यह विभाग के अधिकारियों के संरक्षण में चल रहा है, जिन्हें इस संपदा की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जब वही खनन माफिया के साथ साठगांठ कर लें तो फिर क्या कहा जा सकता है। इसका ताजा उदाहरण वन विभाग के बीट अधिकारी और माफियाओं के बीच सीधे लेन देन का ऑडियो है, जो तालबेहड़ क्षेत्र से वायरल हुआ है, जिसमें दोनों के बीच सीधे सीधे रुपए की लेन देन की बात की जा रही है। जिले में कागजों पर भले ही बालू का खनन बंद हो, लेकिन बालू का अवैध खनन बदस्तूर जारी है। आखिर किसके सहारे? तालवेड़ क्षेत्र में वन विभाग की भूमि पर मिट्टी और बालू के अवैध खनन के साथ साथ पेड़ों का कटान जोरों पर है। और यह भी एक कड़वी सच्चाई है कि इसमें वन विभाग के कर्मचारियों का सीधा संरक्षण मिल रहा है। बताते चले कि तालवेड़ क्षेत्र के ग्राम थाना गांव व वन विभाग की वीर गोंदफरी के जंगल से दबंग बालू माफिया द्वारा मिट्टी से चाइना बालू बनाने और मिट्टी का अवैध खनन जोरों पर है। इस खनन माफियाओं को पुलिस को भी मौन स्वीकृति मिली है। यह बालू और मिट्टी के अवैध खनन के साथ साथ वन क्षेत्र से पेड़ों का अवैध कटान भी कर रहे हैं। जंगल बचेगा तभी पर्यावरण बचेगा, लेकिन जिस तरह से विभाग की मिलीभगत से जंगल से हरे पेड़ों का कटान किया जा रहा है, नामुमकिन यह दिख रहा है। स्थानीय लोगों ने वृक्षारोपण पर ही प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा कि जिन पर जंगल को बचाने की जिम्मेदारी है वही पेड़ कटवाने लगे तो फिर वृक्षारोपण करने से क्या लाभ। वन विभाग के आला अफसरों का ध्यान मात्र आंकड़ों के माया जाल में उलझा रहता है। धरातल पर वनों की हकीकत कुछ और ही स्थिति बयां कर रही है। पर्यावरण बचाने के लिए सरकार द्वारा प्रतिवर्ष करोड़ों की संख्या में वृक्षारोपण किया जा रहा है, लेकिन वन विभाग की रस्म अदायगी और कर्मचारियों की मिलीभगत से जिस तरह से वेश कीमती पेड़ों का कटान किया जा रहा है, स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। प्राइम न्यूज 24 के लिए ललितपुर से राजू प्रजापति की रिपोर्ट। हेलो, हमारा ये कहते कड़े से आता है, क्या कह रहे हो? कोई नहीं आते नहीं है वो, कभी इंस्पेक्टर नहीं पहुँचा, जो गाड़ी जाएगी रेस्ट में पकड़े जाएंगे जो भी चाहिए। होता है सुबेरे? हाँ नहीं, हम नहीं पहुँचाए, हम तो सुबेरे। हाँ हाँ, मान लीजिए हमने आपको आगाह कर दिया और खराब नहीं, रोड पे तो चला था क्या? तो रोड पे तो दिक्कत नहीं है, अपने रोड ही पे माने ना, हमारे रोड पे अपने स्टॉक में स्टॉक है तो दिक्कत नहीं है। अब भाई हम तो अपने मुँह बता रहे, अब जितने खराब ध्यान हम तो अपने क्षेत्र में कह रहे हैं, वो तो हम पहुँचाए ही नहीं सुबेरे के लिए। ठीक है, हेलो हेलो, कौन बोल रहे? हम कतिया में आता बोला महाराज। हाँ बोले भैया, क्या कह रहे हो? टेस्ट का परेशान क्या कर रहे आप? नहीं हमें नहीं करेंगे ना किसी के टेस्ट का। अच्छा, पैसा लाए थे आपने? पैसा मोर दे लाए थे, सोचते लाए थे, सब तुम्हारी जांच नहीं थी। अरे तो आप फॉर्म का मने कर रहे थे फोन बात? नहीं यार, पैसा नहीं चाहे यार, फोन जा रहे हम परेशान है तू। अच्छा हाँ यार, बहुत मान लो दो लोगों की शिकायत जा रही जा रही अशोक की और तुम्हारी, लेकिन अशोक को हमने कल समझा जाओ तो आज गाड़ी को रखो है और जितना मिल गया भैया फिर आगे गाड़ी बख्शे नहीं। हाँ तो इस अगर तुम भी सुखी रहो हम भी सुखी, जो हटे सो होगा ना, हमें चाहिए आए कसू खुशी रहो तुम और हम रहे बस, जो भगवान से प्रार्थना करत। अरे तो चला कर दियो, हम तो तुम्हें मलैया सेवा कर दे, हम फ्री में नहीं चल, हमें लाल सेवा से कोई विश्वास नहीं है, लेकिन कहा है कि बहुत गद्दा कर गए यार। अभी खुल गया भाई जो होगा सब गड्ढा तो पहले से है, अब आप ऐसे में नहीं होगा गड्ढा हरेगा। अरे यार तो अब इस समय लकी राम बिल्कुल बंद कर दो, तुम नुकसान हो गया का फायदा, हम राम जी अपना नुकसान दूसरे को चाहिए, तुम्हारे हृदय मिल रहा हमारा दुष्टा को। हाँ।